ओ शिट यार, यही सोचते हो ना आप? ऐसे ही करते हो ना एग्जाम्स में जा करके? मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में ये बताने आया हूँ कि जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए, राइट, नवंबर 2023 के एग्जाम्स में, तो उसके अंदर आपको कभी भी नर्वस नहीं होना है। आप क्या करते हो, जैसे क्वेश्चन पेपर मिला और आपने क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करना शुरू करा और थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में ट्रिकी लगा, राइट, आप जब ही अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में ये बताने आया हूँ कि ICAI आपसे पूरे पेपर में टोटल 6 क्वेश्चन मांगती है। पहला क्वेश्चन होता है कंपलसरली, और रिमेनिंग आउट ऑफ 6 क्वेश्चन आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, आप अपने 15 मिनट जो पढ़ने का जो रीडिंग टाइम मिलता है ना, उसके अंदर आप सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि आप क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करना शुरू कर देते हो। वो सबसे बड़ी गलती होती है आपके एग्जाम्स में, और नवंबर 2023 में ये मिस्टेक आपको रिपीट नहीं करनी है। मैं यही बताने आया हूँ आपको कि आपको सबसे पहले करना क्या है। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको सबसे पहले अपने पास जो 15 मिनट्स मिलते हैं, दैट इज क्रूशियल 15 मिनट्स, उसमें आपको करना ये होता है कि आपको 40 मार्क्स किस तरह से पॉकेट में डाले जाए। आपको अपनी पॉकेट में 40 मार्क्स डालने हैं। अब वो 40 मार्क्स कैसे आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 को सिर्फ और सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर रिक्वायरमेंट में क्या पूछा है उसने, राइट, बोला होता है ना यू आर रिक्वायर्ड टू, तो वो वाला पोर्शन आप पढ़ो और उसके बाद उसके अंदर देखो कि क्या मैं इस क्वेश्चंस को कर सकता हूँ क्या। उसके अंदर रीड करना शुरू करो, और रीड भी ऊपर ऊपर से पढ़ो, सरफेस लेवल पे पढ़ो, ताकि क्या हो, क्योंकि ICAI सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 को ही ट्रिकी बनाती है आपका मोरल डाउन करने के लिए, और वो क्वेश्चन आपका कंपल्सरली होता है, तो 50% ट्रिकी आपका एडजस्टमेंट होती है उसमें जो भी क्वेश्चन आता है नंबर 1, और 50% होता है इजी पेपर। तो आप क्या करो, उस क्वेश्चन को अगर आपको लगे बहुत ट्रिकी है तो भैया निकल जाओ, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, और 50% अगर क्वेश्चन लगता है कि मैनेजेबल है तो 50% जो इजी वाला पोर्शन है उसको करके निकल जाओ, उसमें उलझे मत रहो। अब क्या करना है, रिमेनिंग 6 क्वेश्चन में से आपको आउट ऑफ 6 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 में भी ICAI 2 क्वेश्चन आपको ट्रिकी देने वाला है, मतलब इस बार जो नवंबर 2023 का एग्जाम्स होगा उसमें एक एवरेज पेपर पूछेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन में तो ऑफकोर्स ICAI ट्रिकी बनाएगा ही बनाएगा, उसमें कोई दोराई नहीं है। 1-2 क्वेश्चन आपके ट्रिकी आ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन में जो पेपर होगा वो एवरेज लेवल पे होगा। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करना है जो सबसे बेस्ट आता हो आपको, ठीक है, जो आपको पूरा सॉल्यूशन जिसका आता हो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और 40 मार्क्स आपको अपने पॉकेट में करने ही करने हैं, पहले 40 मार्क्स कवर करो, ठीक है, विद इन 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटे में अपना 40 नंबर का अपने माइंड अपने पॉकेट के अंदर डाल दो। उसके बाद सोचो कि भैया मेरे को जो ट्रिकी पोर्शन है, जो टफ पोर्शन है, जो डिफिकल्ट पोर्शन है, उसमें मुझे कहीं ना कहीं समहाउ 20 मार्क्स तो लेके ही आने हैं अपने किसी भी तरीके से, क्योंकि 40 अगर आप सिक्योर कर जाते हो तो आपका जो एक डर होता है ना कि मेरे तो 40 भी नहीं आ रहे इस पेपर में, वो खत्म हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपको 20 मार्क्स जो बचे आपके, उसको आपको ट्रिकी पोर्शन में से निकाल के लेके जाना है, आपको एटलीस्ट एग्जिमिशन तो सिक्योर करना ही करना है। तो आप मेरे से प्रॉमिस करेंगे कमेंट सेक्शन में कि जब भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर आएगा इस तरह से, मेरे को कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते टाइम पूरा पढ़ना नहीं है, सीधी रिक्वायरमेंट पढ़नी है, और रिक्वायरमेंट पढ़ के अगर लगता है कि मैनेजेबल है तो करो उसको, और उसमें भी 50% पोर्शन का जो होता है वो इजी पोर्शन होता है, मतलब एवरेज पोर्शन होता है, बाकी 50% ट्रिकी होता है, तो उसको करके निकल जाओ, और बाकी उसमें से फिर क्या करो, रिमेनिंग पोर्शन में से 40 मार्क्स पहले पॉकेट में डालो, और उसके बाद सोचो कि 20 मार्क्स मुझे अपने ट्रिकी पोर्शन में से लेके आने हैं। मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस यही था कि आपके नवंबर 2023 के एग्जाम्स अब ऑफ कोर्स आपके नियर है, दैट इज, तो आपको कुछ ना कुछ अब नवंबर 2023 की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो मेरी आती रहेंगी लास्ट 10 डेज तक, जब तक आपके एग्जाम्स हैं तब तक मैं आपको पूरा मोटिवेट करके चलूंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।